हे वेलकम बैक गाइस, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अपने इंडियन फ्री फायर कब लॉन्च होने वाला, उसका कंफर्म डेट आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो में बहुत सारे यूट्यूबर के बारे में न्यूज मैं आप लोग को बताने हूँ, जैसे कि ज्ञान भाई का नंबर किसी ने लीक करने का धमकी दे रखा है, और इसी तरह बहुत सारे यूट्यूबर के इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अपने ज्ञान भाई के बारे में। जब ज्ञान भाई लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तब एक बंदा ने कुछ ऐसा बोला, ज्ञान भाई एक नंबर ज्ञान भाई आपका नंबर लीक होने वाला है। ओके, अच्छी बात है, चलो हो जाए लीक, कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएगा, लिख कर दो भाई, ये जिसके पास मेरा नंबर है लिख कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो भाई यार, सीधा भाई कर दो। बोला तो मैं बात करने वाले अपने इंडियन फ्री फायर अपने इंडिया में कब लॉन्च होने वाले, इसका पूरी तरह से डिटेल गेमिंग ओरा ने बता रखा। ऐसा हो सकता है कि गरीना फ्री फायर हमारे अक्टूबर मिड के आसपास आपको गेम दे दे, क्योंकि उसके बाद ही हमारा थला इवेंट स्टार्ट होगा, क्योंकि जो थला इवेंट है वो फ्री फायर इंडिया का पार्ट है, नॉट फॉर फ्री फायर मैक्स या फिर फ्री फायर। एंड आपको ये भी बताना चाहूंगा, देखो जैसे ही हमारी फ्री फायर इंडिया आ जाएगी उसके बाद हमारा फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर इंडिया बिल्कुल रिमूव हो जाएगा गेम से। एंड अगली अपडेट के बारे में मैं बात करने वाला अपनी देसी गेमर अमित भाई के बारे में। चटली में जब देसी गेमर अमित भाई लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तब एक बंदा ने उसके कमेंट में कुछ ऐसी बात लिखा जिसके कारण से अमित भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, जैसे कि आप लोग वो वाली छोटी क्लिप को देख ही सकते हो। गाइस चैट में ना थोड़ा लाइक पॉलिटिकल नहीं, थोड़ा सा लाइक गलत चैट चल रहा है, तब कुछ देखो ना, इस टाइम मेंबर्स ओनली चैट कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा चैट शांत होने दो, मैं नॉर्मल फिर से कर दूंगा। कुछ चैट में थोड़ा टॉक्सिक हो रहा है, लाइक धार्मिक टाइप का या फिर अलग टाइप का चैट में देख रहा हूं, मतलब सही है धार्मिक, बट किसी और का बुरा बोलना अच्छा नहीं ना। तो कुछ देर के लिए मैंने चैट को यहाँ पर मेंबर्स ओनली लेके आए, तो मेंबर्स ओनली में कोई स्ट्रीम लैब को कमेंट मत देना, अगर कोई देता है तो उसको 5 मिनट का टाइम आउट दो। तो अगली अपडेट की मैं बात करने वाला हूँ अपनी टोटल गेमिंग अज्जू भाई के बारे में। अज्जू भाई के व्हाट्सएप ग्रुप में 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगली अपडेट के बारे में मैं बात करने वाला तूफान FF के बारे में। तो रिसेंटली मैं जब नॉनस्टॉप गेवी अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मेट में तूफान का टीम अलग था और NXT का टीम अलग था, और उस टूर्नामेंट में कुछ गलती कारण इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत गाली गलौज हो चुका है, जैसे कि आप लोग ये छोटी सी क्लिप को देख ही सकते हो। बस 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 आ जा बेटे, ले बेटे खेल दे जा, कर दिया। हाँ बोल, इसी तरह और इंटरेस्टिंग न्यूज देखना चाहते हो तो क्या करो, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोग को मैं अपना गिल्ड में और फ्रेंड लिस्ट में लेने वाला हूँ।